Hello everyone, I hope you all are good. Before watching this video, please subscribe the channel so you will never miss the videos. Today we are going to talk about the vitamins and the types of vitamins. In the last video, we have just take the introduction of the vitamins, that vitamins are some chemical compounds which our body required in low amounts, but they are essential for our body's normal growth and metabolism. So there are two kinds of vitamins we have discussed. That the first one is fat soluble vitamins, and the fat soluble vitamin includes vitamin A, D, E and K. And the other one is water soluble vitamins, which have included vitamin B and vitamin C. Today we are going to talk about the vitamin A, which is a fat soluble vitamin. So let's start it. वाइटामिन ए जो है वो कंबाइन होती है एक प्रोटीन के साथ, जिस प्रोटीन का नाम है ऑप्सिन. देयर इज अ प्रोटीन नेम्ड ऑप्सिन विच इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड द रोडोप्सिन. रोडोप्सिन जो है वो हमारे आई में जो रॉड सेल्स होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होती है रेटिना के अंदर, ठीक है, और ये वहाँ पर बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है. बिकॉज अगर वाइटामिन ए जो है कमी हो जाती है, इनएडिक्वेट हो जाता है, लेक ऑफ रोडोप्सिन जो होता है हमारी आई को डिम लाइट में देखने के लिए बहुत प्रॉब्लम कॉज करता है. इट इज़ इन्वॉल्व इन द सेल डिफ्रेंसिएशन. अगर हमारी बॉडी के अंदर वाइटामिन ए जो है वो अच्छी सी क्वान्टिटी में मौजूद है, नॉर्मल क्वांटिटी में मौजूद है, तो फिर अगर हमने सेल को डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सेल टू द फिफ्थ स्टेज ऑफ द सेल, तो हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं उसमें. लेकिन अगर विटामिन ए जो है वो लिक अमाउंट में होगा तो फिर हम उसको डिफरेंस अच्छे से नहीं कर सकते, ठीक है. ये प्रोसेस भी होता है, अ प्रोसेस थ्रू विच एम्ब्रियोनिक सेल्स ट्रांसफॉर्म इंटू मेच्योर सेल्स विद स्पेसिफिक फंक्शंस. कुछ खास फंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू एक एम्ब्रियोनिक सेल एक एम्ब्रियो मेच्योर सेल में कन्वर्ट होता है और उसकी जो डिफरेंशिएशन है वो हम देख सकते हैं. वाइटामिन ए ऑल्सो सपोर्ट्स द बोन ग्रोथ एंड इम्यून फंक्शंस. वाइटामिन ए हमारे लिए बहुत तरह से हेल्पफुल है और इसको हम बहुत सारे सोर्सेज हैं लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, नट्स हो सकते हैं आपके, और भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से आप इसका इनटेक ले सकते हैं. तो वाइटामिन जो है हमारी आई के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये डिफिशेंसी हो जाती है, इसकी लैक ऑफ वाइटामिन हो जाता है हमारी बॉडी में, तो फिर क्या होता है कि जो इसके रिडॉप्सन सेल्स हैं वो अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगे और हमें डिम लाइट में नज़र नहीं आएगा और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वाइटामिन ए का सोर्स क्या क्या है और हम इसको कहाँ कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं. वाइटामिन ह्यूमंस गेट वाइटामिन ए फ्रॉम लीफी वेजिटेबल्स. लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच एंड कैरेट्स, वो आप रेडिश भी ले सकते हैं, ठीक है, जिनके लीव्स होते हैं, जिन सब्जियों के पत्ते होते हैं वो सब्जियाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, हरी सब्जियाँ खाएँ. येलो ऑरेंज फ्रूट्स आप खाएँ, कलरफुल फ्रूट्स खाएँ जैसे कि मैंगो है, लिवर खाएँ, फिश, एग, मिल्क, बटर एक्सेट्रा, ये वो तमाम सोर्सेज हैं जिनसे आपको वाइटामिन एडिक्वेट अमाउंट में मिल जाएगी. अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है वाइटामिन ए की, ठीक है, तो वो क्या होगा कि आपके लिए ब्लाइंडनेस का बहुत इशू हो जाएगा. सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये होती है वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी की कि आपकी आई पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. बिकॉज स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया कि रोडोप्सिन हमारे रॉड सेल्स जो हैं रेटिना वहाँ पर मौजूद होते हैं जो हमारी आई के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, विजन को देखते हैं. तो जब विजन हमारा वीक हो जाएगा, वाइटामिन ए की कमी हो जाएगी, तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होगी, रात में आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है. एक सिम्टम तो ये हो गया और ये एक टेम्पररी कंडीशन है. अगर इसका इलाज इसकी ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी तो ये परमानेंटली भी ब्लाइंडनेस कॉज हो सकती है, ठीक है जी. वाइटामिन ए डेफिशिएंसी कैन आल्सो कॉज अ कंडीशन इन विच हेयर फॉलिकल्स बिकम प्लज्ड विद केराटिन गिविंग ड्राई टेक्सचर टू स्किन. अब इसमें क्या होगा कि आपकी स्किन पर जितने भी आपके हेयर फॉलिकल्स हैं वो वहां से ब्लॉक हो जाएंगे, प्लज्ड मींस ब्लॉकेज पैदा कर देंगे केराटिन के साथ, जिसकी वजह से आपकी स्किन में कोई भी मॉइस्चर का पास आउट नहीं होगा और आपकी जो स्किन है, स्किन का जो टेक्सचर है वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है जी. ये हो गई हमारी वाइटामिन ए, ठीक है. अब वाइटामिन सी को देख लेते हैं. वाइटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड भी, ठीक है, और वाइटामिन सी आपको सबसे ज्यादा सिट्रस फ्रूट से मिलता है. वाइटामिन सी पार्टिसिपेट्स इन मेनी रिएक्शंस.
इट इज़ नीडेड टू फॉर्म कॉलेजन, दैट इज अ फाइब्रस प्रोटीन. फाइब्रस प्रोटीन जो है उसको कॉलेजन भी बोला जाता है. दैट गिव्स स्ट्रेंथ टू द कनेक्टिव टिश्यूज. हमारी जो बॉडी है, हमारे जो मसल्स हैं, वहाँ पर जो टिश्यूज मौजूद हैं उनको स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जिसकी वो कहाँ से मिलेगी, विटामिन सी की वजह से मिलेगी. कॉलेजन इज ऑल्सो नीडेड फॉर द हीलिंग ऑफ वाउंड्स. हमारी स्किन में कोई भी इंजरी हो जाती है, ठीक है, वो भी क्या करता है, इसको जल्दी से हील कर देता है. विटामिन सी वाइट ब्लड सेल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब जैसे ये कोरोना की कंडीशन चल रही है, इसमें भी वो हमें सबसे ज़्यादा यही कह रहे हैं, डॉक्टर्स यही ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे हैं कि आप विटामिन सी का इंटेक ज़्यादा रखें और विटामिन डी का इंटेक ज़्यादा रखें, बिकॉज ये चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल रोल प्ले करती हैं. सबसे ज़्यादा हमारा इम्यून सिस्टम इनसे स्ट्रांग होता है. जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो हमारी स्टमक में एक एसिड होता है उसी से किल हो जाते हैं, ठीक है. तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या लेना है, विटामिन सी लेना है, बिकॉज उससे क्या होगा, आपके वाइट ब्लड सेल्स इनेबल करेंगे इम्यून सिस्टम को कि वो अच्छे से प्रॉपरली जो है वो फंक्शन दे सकें, और आपकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाती जाए और आपके लिए जो भी जर्म आए उसको फौरन से किल कर दिया जाए, ठीक है. तो विटामिन सी आप लोगों को कहाँ कहाँ से मिल सकता है, सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, लेमन्स एंड ग्रेप फ्रूट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स. लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में भी विटामिन की अमाउंट मौजूद होती है, बीफ, लिवर एटसेट्रा. डेफिशिएंसी कॉज हो जाए विटामिन सी की तो हमारे पास एक डिजीज हो जाती है जिसको हम कहते हैं स्कर्वी. द डिजीज नोन एज स्कर्वी, जिसके रिजल्ट में विटामिन सी की कमी हो जाती है. और इसकी कंडीशन किस तरह की होती है कि आपके जितने भी स्किन में फाइब्रस प्रोटीन मौजूद होती है, आपके मसल्स में, आपके टिश्यूज के पास जितने भी फाइब्रस प्रोटीन्स मौजूद हैं वो अनस्टेबल हो जाती हैं, ठीक है. वहाँ से उनका जो अरेंजमेंट है वो स्टेबल नहीं रहती और स्किन वहाँ से रप्चर होना शुरू हो जाती है, स्किन का टेक्स्चर ड्राई हो जाता है और स्किन वहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाती है. सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके, के मसल्स और जॉइंट पेन. आपको बहुत ज़्यादा मसल्स फैटिक हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, ठीक है, जॉइंट पेन हो सकती है, जोड़ों की दर्द हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है और ब्लीडिंग गम्स. आपके जो मसूड़े हैं, ठीक है, गम्स जो हैं वहाँ से ब्लीडिंग भी कॉज हो सकती है. स्लो बाउंड्स हीलिंग एंड ड्राई स्किन. आपका अगर कोई भी इंजरी हो जाती है, हल्का सा जख्म कट लग जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि वो जो हीलिंग है उसकी, ठीक होने का जो अमल है वो भी बहुत स्लो हो जाएगा और स्किन भी आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी. ये सब वो सिम्टम्स हैं जो कि विटामिन सी के लैक ऑफ होने की वजह से हमें बर्दाश्त करने पड़ते हैं. तो लिहाजा हम लोगों को विटामिन सी, विटामिन ए, जितने भी विटामिन्स हैं, हमें उनकी प्रॉपर क्वांटिटी अपनी डाइट में लेनी है, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में शामिल करने हैं ताकि हम इस तरह की डिजीजेस से बच के रह सकें, ठीक है जी. तो आज के लिए हम लोग विटामिन सी तक डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन डी एंड उसके जो यहाँ पर हमारे पास टेबल मौजूद है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी. तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.